लिखते हैं प्राथमिक रेखाएं द्वारा यानी स्ट्रोक्स के द्वारा अक्षर किस तरह से लिखते हैं। बच्चों ऑलरेडी हमने सीखा है ना, कौन सा अक्षर सीखा, आ से आहा और क ख ग घ ई च छ झ झ ञ ट ठ ड ढ ण सीखा है ना। आज सीखेंगे हम त थ द ध न किस तरह से लिखते हैं। बच्चों चलो सीखेंगे किस तरह से अक्षर माला में अक्षर प्राथमिक रेखाएं द्वारा लिखते हैं। बच्चों हम लिखेंगे आज पहला अक्षर क्या है, ता। ता किस तरह से लिखते हैं? बच्चों पहला हम स्टैंड लाइन देना है, स्टैंडिंग लाइन यानी स्टैंडिंग लाइन, और सेकंड स्टेप है हमारा स्टैंडिंग लाइन मिडिल स्लीपिंग लाइन, क्या है स्टैंडिंग लाइन मिडिल स्लीपिंग लाइन, और थर्ड स्टेप स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन एंड लाइट कर्व, राइट कर्व, ओके स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन लाइट स्लिटरी कर्व, ओके स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन लिटरी कर्व एंड स्लैंट लाइन, एंड फिफ्थ स्टेप स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन लिटरी कर्व एंड स्लैंट लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, ये हो गया। इसे क्या कहते हैं बच्चों, अक्षर ता, इसे क्या कहते हैं ता। फर्स्ट हमें क्या क्या लिखना है, स्टैंडिंग लाइन, सेकंड स्टेप स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन, थर्ड स्टेप स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन एंड छोटा सा कर्व देना है राइट कर्व, और फोर्थ स्टेप स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन कर्व एंड स्लैंट लाइन, ये हो गया ता। इसे क्या कहते हैं अक्षर ता कहते हैं, और इसके बाद आता है था, क्या आता है बच्चों था, था किस तरह से होते हैं देखो बच्चों, फर्स्ट स्टेप लूप देना चाहिए, पहले क्या देना है लूप, सेकंड स्टेप लूप को टच करते हुए स्लैंट लाइन, लूप को टच करते हुए स्लैंट लाइन, थर्ड स्टेप लूप को टच करते हुए स्लैंट लाइन एंड अपवर्ड कर्व, फोर्थ स्टेप लूप स्लैंट लाइन अपवर्ड कर्व एंड स्टैंडिंग लाइन, ओके एंड फिफ्थ स्टेप लूप स्लैंट लाइन अपवर्ड कर्व स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन, ये हो गया अक्षर था, क्या है था। देखो बच्चों किस तरह से लिखते हैं, पहले हम क्या लिखना है छोटा सा है लूप लेना, और उसको लूप को सेकंड स्टेप है लूप को टच करते हुए स्लैंट लाइन, और थर्ड स्टेप लूप को टच करते हुए स्लैंट लाइन एंड अपवर्ड कर्व, थर्ड स्टेप लूप को टच करते हुए स्लैंट लाइन अपवर्ड कर्व, अपवर्ड कर्व टच करते हुए स्टैंडिंग लाइन, ये हो गया था। इसे क्या कहते हैं था, ता था, और इस अक्षर के बाद क्या आता है बच्चों दा, क्या है बच्चों दा, दा किस तरह से लिखते हैं, ओके फर्स्ट है स्टैंडिंग लाइन, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा स्टैंडिंग लाइन, सेकंड स्टेप स्टैंडिंग लाइन लेफ्ट कर्व, स्टैंडिंग लाइन लेफ्ट कर्व माने इट मींस मैं जब बोट बोट की तरफ मैं फेस करती हूँ तो मेरे लेफ्ट साइड जो ये कर्व आया है ना इसे लेफ्ट कर्व कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट स्टेप क्या है स्टैंडिंग लाइन, सेकंड स्टेप क्या है स्टैंडिंग लाइन को टच करते हुए लेफ्ट कर्व, एंड थर्ड स्टेप स्टैंडिंग लाइन लेफ्ट कर्व एंड स्मॉल लूप, उसको टच करते हुए लूप देना चाहिए, फोर्थ स्टेप स्टैंडिंग लाइन लेफ्ट कर्व लूप एंड स्टैंडिंग लाइन, नीचे नीचे देते हुए स्टैंडिंग लाइन, फोर्थ स्टेप स्टैंडिंग लाइन लेफ्ट कर्व लूप एंड स्टैंडिंग लाइन, लूप को टच करते हुए इस तरह से नीचे स्टैंडिंग लाइन देना और स्लीपिंग लाइन, इसे कहते हैं अक्षर दा। इसे क्या कहते हैं बच्चों दा, इसे किस तरह से लिखते हैं फिर एक बार एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट स्टेप क्या है स्टैंडिंग लाइन, सेकंड स्टेप है स्टैंडिंग लाइन लेफ्ट कर्व, थर्ड स्टेप स्टैंडिंग लाइन लेफ्ट कर्व लूप, फोर्थ स्टेप स्टैंडिंग लाइन लेफ्ट कर्व लूप, लूप को टच करते हुए स्टैंडिंग लाइन, फोर्थ स्टेप स्टैंडिंग लाइन लेफ्ट कर्व लूप एंड स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन, इसे कहते हैं दा। और इसके बाद आता है ध, क्या आता है बच्चों था, इसे किस तरह से लिखते हैं देखो बच्चों, पहले देते हैं हम लूप, पहले क्या दिया हम लूप, लूप किस तरह से दिए थे ऐसे अंदर से ऊपर की तरफ, और सेकंड स्टेप लूप लूप को टच करते हुए अगेन लेफ्ट कर, थर्ड स्टेप लूप को टच करते हुए लेफ्ट कर
लेफ्ट कर एंड स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन, ये हो गया द, इसे कहते हैं द। देखो बच्चों लूप मतलब अंदर से ऊपर, लूप लूप को टच करते हुए लेफ्ट कर, लूप को टच करते हुए लेफ्ट कर, लेफ्ट कर को टच करते हुए स्टैंडिंग लाइन। और ये देखो बच्चों ये जो लूप लेफ्ट कर एंड इसको टच करते हुए स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन, इसे कहते हैं धा। और उसके बाद आता है ना, ना किस तरह से लिखते हैं बच्चों, फर्स्ट हम लेते स्लीपिंग लाइन, सेकंड स्टेप है स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन। फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, स्लीपिंग लाइन, सेकंड स्टेप स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन, एंड थर्ड स्टेप स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन। इस स्लीपिंग लाइन को छोटा सा सर्कल, छोटा सा सर्कल, और उसके बाद देखो बच्चों इस तरह से लूप एंड सर्कल स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, इसे कहते हैं अक्षर ना। इसे क्या कहते हैं बच्चों, ना। इस तरह से लिखते पहले स्लीपिंग लाइन और दूसरा स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन, और स्लीपिंग लाइन के एंड में हम क्या करते हैं छोटा सा लूप या सर्कल देते हैं। और फोर्थ स्टेप है स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन लूप एंड स्लीपिंग लाइन, इसे कहते हैं अक्षर ना। बच्चों देखो क्या क्या हमने सीखा, त थ द ध न। देखो बच्चों क्या 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 सीखा, त थ द ध न। देखो बच्चों त थ द ध न, त थ द ध न। बच्चों इस वीडियो को अच्छे से देखना, किस तरह से स्ट्रोक्स के द्वारा यानी प्राथमिक रेखा द्वारा किस तरह से लिखते हैं, प्रैक्टिस करना और उसका उच्चारण भी सही सही उच्चारण उसको देना। बच्चों कीप वॉचिंग, थैंक यू।